2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। मेरे से गलती हो गई, मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजुली, और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर पर आप एक ही करो, आप बोल दो। तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं, कॉस्ट कितनी है क्या है, तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा नहीं तो मैं हार जाऊंगा, ये लोग नाराज हैं। कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकार ने बताया कि सर आपको पता है ये ब्रिज कितने कीमत का है। बोला कितना? बोले 6,000 करोड़ का। मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6,000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राहक के। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा, इसके कारण ग्रोथ भी होगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि आज हमने गंगा पर कितने पुल बना रहे, जितने मांगते उतने बना गए। यानी स्वाधीनता के बाद जब तक हमारी सरकार नहीं आई उतने ब्रिज गंगा पर थे, उतने हमारे 7 साल में ललन सिंह जी बैठे जो बोलते हैं वो मंजूर करा के हमने सब मंजूर करके दिया। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर भी अभी तक, ये बहुत ब्रह्मपुत्रा तो सागरी है और उसमें भी आपके यहाँ जितने मांगे उतने, जिसका आपने कल माजोली का उल्लेख किया, मेरे से गलती हो गई, मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर पर आप एक ही करो, आप बोल दो। तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं, कॉस्ट कितनी है क्या है, तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा नहीं तो मैं हार जाऊंगा, ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल, अब ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है पर इमोशनल हाथ दबाकर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकार ने बताया कि सर आपको पता है ये ब्रिज कितने कीमत का है। बोला कितना? बोले 6,000 करोड़ का। मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6,000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना। और आपको बता दो अध्यक्ष महाराज ये कितना अच्छा काम हुआ, हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। वैसे भी स्टील और सीमेंट का 40% हम कंज्यूम करते हैं और मार्केट में भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा तो बात चल जाए तो मैं स्टील और सीमेंट का उपयोग ही खत्म कर दूंगा रोड से, ताकि ये घूमते रहे। क्यों हमने क्या किया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया अपना सिंगापुर में और मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी आई, ये जो दो बीम दिख रहे हैं आपको, इसके इसमें मेट्रो में सब जगह पर डिस्टेंस होता है 30 मीटर। और अभी हमने ये तय किया कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी आई है ये दो पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो बीम डालते हैं उसका कास्टिंग स्टील फाइबर में होता है। और अध्यक्ष महाराज हमने वो मैंडेटरी किया और टेक्नोलॉजी नहीं लाई, वर्ल्ड की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो लाने की कोशिश करे वो हमने स्वीकार की। और फिर ये माजोली आइलैंड का टेंडर निकाला और आपको बताते हैं मुझे खुशी हो रही है कि 6000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया और यूपी ब्रिज कारपोरेशन अभी वहां काम कर रही है और शायद मैं इस साल में एक साल में उसके उद्घाटन के लिए आ जाऊंगा। तो अध्यक्ष महाराज हमारी कोशिश यही रही कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और ये करते समय कभी कभी बहुत लोगों ने चिंता जताई कि NHAI का क्या होगा, बहुत कर्जा आया है। मैं आपको बता दूं, कभी कुछ पूरा सच बताने में मेरी इसलिए अड़चन है कि अगर ये मैं कभी बताऊंगा तो आप उस दिशा से अगर मेरे ऊपर अगर आर्गुमेंट करने लगे तो मैं अड़चन में आ जाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि देश का पहला BOT प्रोजेक्ट, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुझे करने का सौभाग्य मिला, ठाणे भिवंडी बाईपास। तो ठाणे भिवंडी बाईपास बनाया तो उसमें पहला टोल प्रोजेक्ट हुआ। अब यह खुशी से नहीं हुआ अध्यक्ष महाराज, ये मजबूरी है। मजबूरी है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और पैसे नहीं है तो इसके ऊपर दो उपाय, कि चुपचाप बैठो और नहीं तो कुछ दूसरे मार्ग से पैसे लाओ।
अब इसमें नुकसान नहीं है, जैसे अभी दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 18 लेन का रोड बना है अक्षरधाम के सामने, आप लोग रोज उसका अनुभव करते हो। अभी पहले मुझे याद है कभी मैं जाता था उधर से तो ऐसा लगता था कि कभी जाना नहीं चाहिए, पर अध्यक्ष महाराज आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में आते हैं। और अभी मैं जब मेरठ गया था तो मुझे मेरठ के लोगों ने बताया कि हम 35 मिनट में आधा, तो हम तो गवर्नमेंट गाड़ी में जाते तो 80-90 की स्पीड में होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो हम लोग कैनॉट प्लेस जाते हैं, आइसक्रीम खाते और वापस आते हैं। यानी इतनी कनेक्टिविटी बढ़ी। आप मुझे बताइए 4.5 घंटे अगर गाड़ी चलेगी तो जितना पेट्रोल डीजल जलेगा वो 40 मिनट में बचत हो जाएगी, वो पैसे में हम टोल लेते हैं।